अजमेर संभाग के सबसे बड़े जो एलएन अस्पताल में लगातार हो रही छुट्टियों के कारण इमरजेंसी वार्ड में आउटडोर जैसी स्थिति पैदा हो गई, जहां कतारबद्ध होकर मरीज और परिजन इलाज के लिए खड़े नजर आए। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में इलाज को लेकर उचित व्यवस्था नहीं की जा रही, जिस कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सैकड़ों की संख्या में रोज मरीज अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पर्ची कटवाने और सील लगवाने के साथ ही दवाई लेने के लिए भी उन्हें लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। ऐसे में इन सभी ने अपना विरोध भी दर्ज करवाया और साथ ही अजमेर के रेलवे हॉस्पिटल में डॉक्टरों की स्ट्राइक के बाद सभी मरीज अजमेर के जेएलएन अस्पताल ही पहुंच रहे हैं, जहां पर इमरजेंसी में लंबी कतार में मजबूरन उन्हें खड़ा होना पड़ रहा है। कहां आए हुए हो क्या? भाई हमने रेलवे हॉस्पिटल गए पहले, फिर वहां भी लड़ाई झगड़ा हो गया, डॉक्टरों को मारे उधर, फिर यहां से 1 घंटा उधर लाइन लगे, 1 घंटा इधर हो गया। अभी हमने भी आए रेलवे हॉस्पिटल गए, वहाँ नागड़ा वाला दिखाने से मुंह में छाले हो रहे हैं बहुत ज्यादा। अभी यहाँ पे आए नागड़े वाला डॉक्टर ने दे देखा, वो दवाई दे दी। अभी यहाँ पर अब इमरजेंसी, अभी ये जेल है ना, यहाँ आए ना हम। कितना समय हो गया आपको? एक 1.5 घंटा तो गए, 1 घंटा वहाँ लगे, 1 घंटा इधर हो गया, 2 घंटे तो गए। अरे अभी तो पता ही नहीं है, अब परेशान है, घुटने में दर्द होता है बहुत ज्यादा। अरे कोई कुर्सी उर्सी भी नहीं, चेयर होनी चाहिए ना बैठने के लिए, ना कोई कुर्सी ना चेयर है, परेशानी है भैया, क्या करें। व्यवस्था किस तरह की यहाँ पर? व्यवस्था तो आज रेल हॉस्पिटल दिखाती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कौन सी व्यवस्था है, वहाँ भी लड़ाई झगड़ा हो गई। ठीक है, हम आ रहे कोई मेरे कमलेश।